आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसा इजाफा, नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे हो गई। डीजल भी 3 रुपए महंगा, नई कीमत 144 रुपए 62 पैसे तक पहुंच गई। सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना, 17वें रोज में दाखिल, आशा राय फैसल को बंद किया जाएगा। रैली की हिकमत अमली तय, सिंध असेंबली के बाहर धरना भी जारी रहेगा। शाहराह फैसल का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा, एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले ट्रैफिक बहाल रहेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हम उन लोगों की तरह नहीं जो एक मुजाहरा करके चले जाएं, आसाबी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बल्दियाती बिल को बुनियाद बनाकर तमाशा रचाया जा रहा है, ये लोग अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। सईद गनी कहते हैं इमरान नियाजी नालायकों के सरदार हैं। एमकेएम एक वजारत के चक्कर में आवाम के हकूक का सौदा कर चुकी है। मुर्तजा वहाब बोले एमकेएम पेट्रोल महंगा होने पर इस्तीफा क्यों नहीं देती, पीटीआई वाले गुर्बत के खिलाफ एहतजाज करते तो खुशी होती। ये एहतजाज उस वक्त किया जाता है जब पीपल्स पार्टी आवाम के लिए काम करती है। सिंध हुकूमत के खिलाफ एक और महाज खुल गया, एमकेएम ने भी धरने का ऐलान कर दिया। पीटीआई और फंक्शनल लीग भी शरीक होंगे। आमिर खान कहते हैं सिंध के करप्ट हुक्मरानों को एक हफ्ते का वक्त देते हैं, काला कानून वापस ना लिया तो बिलावल हाउस के बाहर भी धरना देंगे। अली जैदी ने आसिफ अली जरदारी को माफिया का गॉड फादर करार दे दिया। बोले आसिफ अली जरदारी ने मुराद अली शाह को अकाउंटेंट रखा हुआ है जिसका काम करप्शन का हिसाब किताब रखना है। मुफाहमत नहीं अब मुजामत होगी, बिलावल ने भी कह दिया। बोले मुल्क भर की आवाम 27 फरवरी को निकलेंगे, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुनाएंगे। आवाम को ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जो उनके घरों के चूल्हे तक बुझा दे। महंगाई और बेरोजगारी की जिम्मेदार सरकार के खिलाफ अब खुली मुजामत होगी। इस्तीफे की बात पर कायम है लेकिन शर्त यह है कि पूरी ऑपोजिशन इस्तीफा दे। नून लीग के रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं पीपल्स पार्टी के 25 से 30 एमएनएज और पीटीआई के 29 एमएनएज मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं। जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकते हैं। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 35% तक पहुंच गई, मुल्क भर में केसेस बढ़ने लगे। 14 दिनों में 24,000 से ज्यादा शहरी मुतासर, हुकूमत सिंध के फौरी इकदाम। शादी का खाना पैकेट में तकसीम करने की हिदायत, मास्क लाजमी करार दे दिया। स्कूलों समेत दीगर तदरीसी निजाम बदस्तूर बहाल रहेगा। और एक बड़े सुनामी के खतरात, बहरुल काबुल में मल्क टोंगा में जेरे समंदर आते फिशा फट गया, सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। रिहायशी आबादियां शदीद मुतासर, टोंगा के बादशाह का महल भी जद में आने का खतरा। अमरीका और न्यूजीलैंड के साहिल पर अलर्ट जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।